Welcome to my class in Microsoft Excel program there are a number of logical functions given to us Here a list of all the logical function is given to you All functions listed here are discussed in separate video lectures In the year 2019 Microsoft Corporation introduced six new functions in Excel Program. इसके अंदर दो फंक्शन इफ्स और स्विच ये लॉजिकल फंक्शंस हैं इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं तीन लॉजिकल फंक्शंस का आपस में कंपैरिजन करूंगा एंड दीज लॉजिकल फंक्शंस आर इफ इफ्स एंड स्विच फंक्शंस आइएगा मूव करते हैं इन तीनों फंक्शंस की तरफ इन तीनों फंक्शंस का कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दिया सो दैट वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम लेकिन कुछ इनपुट्स मैं आपको यहां पर दूंगा मेरे पास यहां पर फर्स्ट कॉलम के अंदर सेल्समैन के नाम दिए गए हैं इस जगह के ऊपर मैं इनकी एवरेज सेल्स पर मंथ आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप करूंगा यहां पर मैं कुछ कंडीशंस को फार्मुलेट करूंगा और उसके बेस के ऊपर हम इनकी कमीशन को कैलकुलेट करेंगे विथ दी हेल्प ऑफ थ्री डिफरेंट फंक्शंस

सेकेंड मैं वैल्यू ले रहा हूँ टू लाख रुपीज इन दोनों को मैंने कंबाइन करके फिल हैंडल के जरिए ड्रैग डाउन कर दिया मेरे पास ये एवरेज सेल्स पर मंथ आ गई आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर अब मुझे कुछ कंडीशंस को यहाँ पे जनरेट करना है तो मैं अमाउंट के अंदर लेता हूँ अप टू वन लैख जो कमीशन का अमाउंट होगा दैट विल बी फाइव परसेंट अप टू टू लैख कमीशन का अमाउंट इट विल बी टेन परसेंट तीन लाख के अमाउंट के लिए कमीशन भी पांच परसेंट इंक्रीज कर देते हैं फोर लैख ट्वेंटी परसेंट और फाइव लैख ,00 के लिए एंड अबव यहां पर मैं ट्वेंटी फाइव परसेंट कमीशन दे रहा हूं मेरे पास ये कंडीशंस आ गई मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया सो दैट द होल क्वेश्चन इज विजिबल टू यू अब इन कंडीशंस के बेस के ऊपर मुझे इनकी कमीशन के अमाउंट को कैलकुलेट करना है फॉर डिफरेंट सेल्समैन लेकिन मैं जिस सेल्समैन को यहां पर चाहूं उसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए तो मैं इस येलो सेल के अंदर क्लिक करके आई गो टू डेटा टैब डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वेलिडेशन में अलाउड ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और सोर्स के अंदर मैं यहाँ पर इन सेल्स मैन के नाम दे रहा हूँ आई से ओके एक छोटा सा एरो आप यहाँ पर देख रहे हैं नाउ आई कैन चूज एनी ऑफ द सेल्स मैन मैं इसके फोन साइज को इनक्रीज कर देता हूँ ई कॉपी दिस थिंग और मैंने इसको दो जगह के ऊपर पेश कर दिया नाउ वी कैन चूज एनी ऑफ द सेल्स मैन इस जगह के ऊपर अब मैं इफ फंक्शन को टेकअप करूंगा तो मैं इस पर्टिकुलर सेल के अंदर इफ फंक्शन को टेकअप करने जा रहा हूं इक्वल्स टू इफ हमारे पास लॉजिकल टेस्ट क्या है इफ ई टू इज इक्वल टू ए टू उस केस के अंदर ए की एवरेज सेल को मल्टीप्लाई कर दो फाइव परसेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो फाइव परसेंट के साथ कॉमन आई मूव टू द नेस्टेड इफ इफ दिस सेल इज इक्वल्स टू बी दैट इज गिवन टू अन ए थ्री तो बी की मंथली एवरेज सेल को मल्टीप्लाई कर दो टेन परसेंट के साथ दैट इज सी इलेवन गिवन टू अस कॉमा एक और इफ के अंदर हम एंटर कर जाते हैं इफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू सी उस केस के अंदर एवरेज सेल्स को मल्टीप्लाई कर दो फिफ्टीन परसेंट कमीशन के साथ कॉमा वन मोर इफ पेरेंथीसिस स्टार्ट इस वैल्यू को चेक करो क्या ये वैल्यू डी सेल्समैन है अगर डी सेल्समैन है तो फोर लाख ,00 रुपीस को मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी परसेंट कमीशन के साथ नहीं तो फाइव लाख ,00 रुपीस विच इज गिवन टू अस इन सी सिक्स एल इसको मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी फाइव परसेंट के साथ स्टूडेंट नोट कीजिएगा मैंने यहाँ पर चार इफ को स्टार्ट किया है तो मैं यहाँ पर पेरेंथीसिस भी फोर टाइम क्लोज करूंगा टू थ्री एंड द लास्ट वन इज फोर आई प्रेस एंटर अगर तो सेल्समैन ए है तो कमीशन का अमाउंट फाइव थाउजेंट अगर हमारे पास सेल्समैन बी है देन अमाउंट इज ट्वेंटी थाउजेंट अगर हमारे पास सेल्समैन मैन ई है तो हमारे पास अमाउंट इस वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एज कमीशन अमाउंट पांच लाख रुपए के ऊपर आप ट्वेंटी फाइव परसेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ये वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ही आएगा हमने इस केस के अंदर जिस इफ फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर नीचे सेल में दे रहा हूं अब मैं इसी चीज को इफ्स फंक्शन के थ्रू करना चाहता हूं सो so, मैं इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर इफ्स फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं इफ्स द फर्स्ट आर्गूमेंट इज लॉजिकल टेस्ट वन इस वैल्यू को देखो क्या ये वैल्यू इस ए सेल्समैन के साथ मैच करती है अगर तो ये मैच करती है एवरेज सेल्स पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दो परसेंट के साथ कॉमा अगेन इस वैल्यू को चेक करो क्या यह मैच करती है ए थ्री के साथ यहां पर दिया गया सेल्समैन का नाम क्या इस पर्टिकुलर सेल्समैन के नाम के साथ मैच करता है अगर यह मैच करता है एवरेज सेल्स पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दो टेन परसेंट के साथ कॉमा अगेन लॉजिकल टेस्ट के एक्सप्रेशन को चेक करो क्या ये मैच करता है सी सेल्समैन के साथ अगर सी सेल्समैन के साथ मैच करता है तो उसकी एवरेज सेल्स पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दो 15 परसेंट के साथ कॉमा अगेन चेक करो क्या ये आई टू के अंदर जो वैल्यू दी गई है इस इक्वल्स टू ए फाइव अगर ये ए फाइव के साथ वैल्यू मैच करती है तो एवरेज सेल्स पर मंथ डी एम्प्लाई की इसको मल्टीप्लाई कर दो 20% परसेंट के साथ लास्ट के अंदर चेक करो जो वैल्यू हमें यहां पर दी गई है ये मैच करती है इस ई e सेल्समैन के साथ अगर तो ये मैच करती है उस केस के अंदर एवरेज सेल्स पर मंथ ई एम्प्लाई की इसको मल्टीप्लाई कर दो 25% परसेंट के साथ आई क्लोज पेरेंथिस आई प्रेसेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास बी सेल्समैन है तो उस केस के अंदर कमीशन ट्वेंटी थाउजेंट है इस केस के अंदर भी मैं बी को चेक करता हूँ तो ये ट्वेंटी थाउजेंट है हमने जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे यहाँ पर दे रहा हूँ स्टूडेंट जस्ट कंपेयर दीज टू फंक्शंस इफ फंक्शंस के अंदर आप ये पेरेंथीसिस के साथ बहुत ही स्ट्रगल करते हैं लेकिन यहां पर वो सारी स्ट्रगल खत्म हो गई इस केस के अंदर हमने नेस्टेड इफ़ को लिया और बहुत सारे पेरेंथिस को बाद में क्लोज किया लेकिन यहां पर इफ्स फंक्शन ने मल्टीपल कंडीशंस को बहुत स्मूथली हैंडल कर दिया नाउ आई मूव टू द स्विच फंक्शन मैं इस जगह के ऊपर स्विच फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ इक्वल्स टू स्विच स्विच फंक्शन के अंदर तीन आर्गूमेंट्स हमें मैंडेटरी हैं फर्स्ट इज एक्सप्रेशन सेकेंड इज वैल्यू वन थर्ड इज रिजल्ट वन देन वी हैव ऑप्शनल डिफॉल्ट वैल्यू इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हम इस ऑप्शनल डिफॉल्ट और वैल्यू टू रिजल्ट टू को टेकअप नहीं करेंगे मैं पहले तीन मैंडेटरी आर्गूमेंट्स को ही टेकअप करूंगा एक्सप्रेशन के केस के अंदर इस वैल्यू को देखो विच इज गिवन टू आर इन एम टू इस एक्सप्रेशन को इस वैल्यू के साथ मैच करो अगर तो ये मैच करता है तो हमें रिजल्ट उस केस के अंदर वन लाख मल्टीप्लाइड बाय फाइव परसेंट दे दो कॉमा नहीं तो सेम एक्सप्रेशन को सेकेंड सेल्समैन के नाम के साथ मैच करो और अगर ये मैच हो जाता है तो एवरेज सेल्स पर मंथ इसको मल्टीप्लाई कर दो टेन परसेंट से नहीं तो सेम एक्सप्रेशन को मैच करो सी सेल्समैन के साथ अगर यह मैच हो जाता है तो एवरेज सेल्स पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दो फिफ्टीन परसेंट के साथ नहीं तो एक्सप्रेशन को मैच करो इस नेक्स्ट सेल्समैन के साथ अगर ये मैच हो जाता है तो हमें एवरेज सेल्स पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दो 20 परसेंट के साथ लास्ट के अंदर सेम एक्सप्रेशन को मैच करो इस ई e सेल्समैन के साथ अगर यह मैच हो जाता है तो इसकी एवरेज सेल्स पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दो 25 परसेंट के साथ आई क्लोज पेरेंथीसिस आई सेंटर स्टूडेंट नोट कीजिएगा यहाँ पर भी बी सेल्समैन है और स्विच फंक्शन ने हमें उसकी कमीशन ट्वेंटी थाउजेंड कैलकुलेट करके दे दी मैं इसको मूव करके देखता हूँ ए के लिए फाइव थाउजेंड ई के लिए वन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हमें इफ्स फंक्शन ने भी ई e के लिए वन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दिया और इफ़ फंक्शन ने भी हमें ई e के लिए वन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दिया इट मीन्स यहां पर स्विच फंक्शन ने हमारा काम और भी आसान कर दिया स्विच फंक्शन के लिए हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है मैं इसको यहां पर कॉपी करके नीचे दे रहा हूं स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले इफ फंक्शन था और हम मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए नेस्टेड इफ को यूज करते थे उसके बाद हमारे पास दो नए फंक्शन आ गए इफ्स फंक्शन जिसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन को यूज करते हैं और उसी के साथ साथ ये स्विच फंक्शन जिसके अंदर एक ही बारी एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा उसे बार बार ये फंक्शन खुद इवेल्युएट करेगा दिस स्विच इज ए वेरी पावरफुल बट ए वेरी सिंपल फंक्शन मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्विच फंक्शन के लिए तो इम्प्रूव करेगी ही साथ में आप कंपैरिजन भी कर पाएंगे कि अब मल्टीपल कंडीशंस के अंदर काम करना बहुत आसान है Thank you very much.